गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 में मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्लास 10 में ही नहीं बल्कि 11, 12 और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। और बोर्ड में याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10th बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो याद रखिएगा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को अलजेब्रा का यूज करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके सॉल्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइन होता है, एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। इस साइड देखते हैं हम लोग एक्स डैस और ये हो गया वाई डैस, ठीक है। एक पॉइंट है where x-axis and y-axis is cut intersect here. The point where x-axis and y-axis is cut या meet या intersect is called origin. Its coordinate is 0, 0. इस point को हम लोग origin बोलते हैं और origin का coordinate 0, 0 होता है। The point where x-axis and y-axis is cut is called origin. अब इस side राइट साइड जो है वैल्यू क्या आता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या आता है नेगेटिव। तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 7। इस साइड हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर वैल्यू होता है पॉजिटिव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे क्या आ जाएगा नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो एक्स और वाई दोनों क्या में आता है, प्लस में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है एक्स क्या में आएगा, नेगेटिव, और वाई क्या में आएगा, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की भी नेगेटिव है और वाई की नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो हम लोग देख लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। अगर क्वेश्चन है कि 2-5 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो 2 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर पूछेंगे हम कि -5 और 6 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो -5 और 6 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट का पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं कि -8 और -5 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट का ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अगर हम पूछेंगे कि 1, 4 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अगर 7-5 क्वेश्चन हम पूछते हैं किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो क्या बोलेगा, 7 के आगे कोई साइन नहीं, मींस प्लस, और प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। अगर रहेगा -6 और -3 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, बोथ आर नेगेटिव, किसमें है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सेलेक्ट करने को हम लोग को आ गया, अगर कोई पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम 2, 3 रखते हैं, ठीक है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिख लिए हम लोग 2, 3, मतलब ये एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर है, मतलब एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे, ये हो गया 1 और 1, 2, वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर 1, 2 और 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, मतलब एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस और वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स ओरिजिन, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कट और व्हिच इज नोन एज ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, बिकॉज़ हियर
जीरो होता है। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसमें कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू ए पॉइंट, मतलब ऑरिजिन से कोई पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला डेफिनेशन में है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू ए पॉइंट, मतलब ऑरिजिन से कोई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करने के लिए सीखना है, डेरिवेशन करना है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू ए पॉइंट, ऑरिजिन से कोई पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम ले लेंगे, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, डिनोटेड बाय ओ एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0, ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट हम लोग पुट कर लिए पी। पॉइंट पी जो है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है ओपी, हमको क्या फाइंड करना है ओपी। तो ओपी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे पीएम। ठीक है, ड्रा कर देंगे, ड्रा पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रा कर देंगे। अब ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा एक्स डिस्टेंस पर, और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा वाई डिस्टेंस पर। तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रेंगल पीएमओ में चलेंगे, इंट्रेंगल हम लोग किसमें चलेंगे पीएमओ में, हम लोग को क्या फाइंड करना है ओपी, हम लोग को क्या फाइंड करना है ओपी, मीन्स ऑरिजिन और पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना, ऑरिजिन और पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ओपी फाइंड करना है। तो ओपी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ओपी अगर देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम बताया था आप लोग को कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ ओपी के लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ओपी इक्वल टू रूट अंडर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो ओ एम का वैल्यू कितना है एक्स और पी एम का वैल्यू कितना है वाई, ओ एम का वैल्यू एक्स और पी एम का वैल्यू वाई, ये ही फॉर्मूला मेरा डेफिनेशन होगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू ए पॉइंट, टू ए पॉइंट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑरिजिन से कोई पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, फाइंड द डिस्टेंस हो गया 3 4, ठीक है -5 12 8, -15 -8, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लिए a sin theta और a cos theta। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ऑरिजिन से कोई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू हो गया 3 और वाई का वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 से कितना आ जाएगा 9, 4 4 का 16, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट्स, आंसर कितना आ गया 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू कितना है -5 और y का वैल्यू है 12, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 124, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 169 और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 30, तो आंसर आ गया 30 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का क्या आ जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है -15 और वाई का वैल्यू है -8,
तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 है, माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 8 जा 64 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 289 और 289 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 17। आंसर कितना आ गया 17 यूनिट। ठीक है, फोर्थ में हम लोग देखेंगे तो क्या है ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए का वैल्यू कितना है ए साइन थीटा और बी का वैल्यू है कितना ए कॉस थीटा। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। कॉमन रूट क्या करेंगे ए स्क्वायर करेंगे कॉमन, तो ये आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 तो क्या रहेगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना रहेगा ए, तो आंसर आ गया ए यूनिट। कितना गया ए यूनिट। तो हम लोग आज सीख लिए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से कोई पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला डेविएशन सीखे और उस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कि टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो समझना है। एक्स एक्सिस ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई और ये वाई एक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। एक पॉइंट हम लोग ले लिए पी, पी का कोऑर्डिनेट हम लोग पुट किए एक्स वन वाई वन, और एक पॉइंट ले लिए क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट हम पुट किए हैं एक्स टू वाई टू। हम लोग को क्या फाइंड करना है दोनों पॉइंट पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, उनको क्या फाइंड करना है पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस, मतलब पी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग को पी और क्यू के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब पी क्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पी से पीएम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा कर देंगे और एक क्यू से क्यूएम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा कर देंगे और एक पी से पीआर परपेंडिकुलर हम लोग कहां ड्रा करेंगे क्यूएम पे। अब देखिए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, मतलब कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस से एक्स वन डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा वाई वन डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा एक्स टू डिस्टेंस पर और वाई एक्सिस से क्या आ जाएगा वाई टू डिस्टेंस पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए टोटल है एक्स टू और ये है एक्स वन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। टोटल है वाई टू और ये है वाई वन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1, तो ये जब x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब देखिए हम लोग चलेंगे एक ट्रेंगल PRQ में, तो PRQ ट्रेंगल को हम लोग अलग सेपरेट करके आपको दिखा देते हैं। ये हो गया P, ये R, ये Q, हम लोग को क्या फाइंड करना है PQ, हम लोग को क्या फाइंड करना है PQ। When PA, PR given है x2 minus x1 और QR है y2 minus y1, तो हम लोग को फाइंड करना है क्या फाइंड करना है PQ, तो PQ equal to हम लोग लिख सकते हैं लिखे तो root under PR के स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्योंकि hypotenuse equal to क्या होता है root under base स्क्वायर प्लस perpendicular स्क्वायर, तो base का वैल्यू है PR और perpendicular का वैल्यू है QR, तो इसका वैल्यू क्या है x2 minus x1 और इसका वैल्यू है y2 माइनस y1। ठीक है, यही आ गया आपका PQ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिया है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू हम लोग पढ़ क्या आया रूट अंडर x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला दिया गया root under x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the
होल स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार हम लोग समझाते हैं इसको। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये पॉइंट पी ले लीजिए, ये पॉइंट क्यू ले लीजिए। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वन बाई वन, पॉइंट क्यू का क्या है एक्स टू बाई टू। हम लोग को पी क्यू फाइंड करना है, मतलब पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी से पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दिए थे और क्यू से क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए थे। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वन बाई वन करने का मतलब एक्स एक्सिस से एक्स वन डिस्टेंस फॉलो जाएगा, वाई एक्सिस से वाई वन। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स टू बाई टू, मतलब एक्स एक्सिस से एक्स टू डिस्टेंस पर होगा, वाई एक्सिस से वाई टू डिस्टेंस पर। अब एक परपेंडिकुलर पी आर ड्रा कर देंगे तो एम एन का मान क्या आ जाएगा, टोटल है एक्स टू और ये है एक्स वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। क्यू आर क्या हो जाएगा, टोटल है वाई टू और ये है वाई वन, तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। तो अब हम लोग चलेंगे एंगल पी आर क्यू में। पी आर क्यू में हम एंगल ले लिए तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड पर हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हम लोग को हाइपोटेनस पी क्यू निकालना है। हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस का वैल्यू क्या है पी आर और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्यू आर। तो पी आर का वैल्यू था एक्स टू माइनस एक्स वन और क्यू आर का वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन, स्क्वायर होता है स्क्वायर कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या आया, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग के पास जितने सारे बुक्स हैं आर डी शर्मा, एन सी ई आर टी, आर एस अग्रवाल, ठीक है, सब बुक से आप लोग घर से सॉल्व कीजिएगा मैथ्स। देखिए तो अब हम लोग फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला हम क्या बताया आप सबको, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू थ्री और फोर वन, सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए माइनस फाइव सेवन और माइनस वन थ्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सेवन फाइव और हम लोग ले लेते हैं सेवन फाइव और उसके बाद ले लीजिए आप लोग थ्री और थ्री और टू, इस सब पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद ले लीजिए ए बी और माइनस ए माइनस बी, दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टू थ्री और फोर वन। तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये y2, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो 4 में से कितना माइनस करेंगे 2 को, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 1 में से कितना सबट्रैक्ट करेंगे 3 को, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 को तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 में 4 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 8, 8 को लिख सकते हैं हम 4 into 2, 4 का स्क्वायर होता है 2, तो आंसर कितना आ गया 2 root 2 ही होगा। फिर से देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। तो 4 में से कितना सबट्रैक्ट करेंगे 2 और 1 में से 3, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 और 1 में से 3 को तो माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, 8 को हम लोग कर सकते हैं 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 2, तो आंसर कितना आ गया 2 रूट 2 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन देखिए माइनस 5 7 और माइनस 1, तो हम बता देंगे ये x1 है ये y1 ये x2 और ये y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, ठीक। तो माइनस 1 में से कितना सबट्रैक्ट करेंगे माइनस 5 को, 3 में से 7 को, तो माइनस 1 और सबट्रैक्ट करना है माइनस 5 को, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5 टू द होल स्क्वायर और 3 माइनस क्या कर देंगे 7, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 तो माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 आ गया 32, 32 को हम कर देंगे 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर 4 और रूट अंडर 2 हो गया 4 रूट 2 यूनिट्स हो गया, आंसर कितना आ गया 4 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में है 7 5 और 3 2 के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला
रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू। तो देखिए थ्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे सेवन को, और टू में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है फाइव को। तो थ्री माइनस सेवन तो कितना आ जाएगा माइनस फोर का होल स्क्वायर, और टू माइनस फाइव तो माइनस थ्री का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फोर सिक्सटीन, और थ्री थ्री एड कर देंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 यूनिट। आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, फोर देखिए। ए बी और माइनस ए माइनस बी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस ए में माइनस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस बी में माइनस बी, माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, माइनस ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो माइनस टू ए, और माइनस बी में माइनस बी तो माइनस टू बी हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे इसको हम लोग। तो माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर, दोनों में फोर कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फोर का स्क्वायर टू, तो टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज हम लोग सीख लिए हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब आज हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद पढ़े डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और उसके बाद हम लोग पढ़े डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेशन किए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट का आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का क्या आया रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन है, देखिए आप लोग खुद से सोल्व कर दीजिएगा इसको। 36, 50 और 0, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी ये हो गया एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू। जीरो में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से 15 को, तो जीरो माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो जीरो में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 36, और जीरो में से माइनस 15 को तो माइनस 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 1521, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 39। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशन फॉर कॉलिनियर, कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है। देखिए तो है कंडीशन फॉर कॉलिनियर, कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। सपोज दैट पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, पॉइंट ए तो एसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो एसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉलिनियर, इफ थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर देन एसी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिए कि चेक करना है 1523 और -2 -11 जो है कॉलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले इस पॉइंट ए पुट कर लीजिए, ये बी और ये सी, तो ए बी फाइंड करेंगे हम लोग। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करो, और उसका थ्री में से हम लोग फाइव को करेंगे। तो टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो टू माइनस वन तो कितना आ जाएगा वन, और थ्री माइनस फाइव तो माइनस टू का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन, और टू टू जा फोर, फोर में वन ऐड करेंगे तो कितना गया फाइव। अब बी सी अगर फाइंड करेंगे तो बी सी क्या आएगा बताइए, बी सी माइनस टू में से माइनस टू को, और माइनस इलेवन में से टू को, माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस इलेवन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस थ्री को।
कितना आएगा, -2 -2 -4 और -11 -3 -14, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर आ गया 196, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 212। अब एसी फाइंड करेंगे हम लोग, एसी के लिए चलेंगे पॉइंट ए और सी के लिए, तो -2 में से सबट्रैक्ट करेंगे -1 को, और -11 में से -5, कितना आ जाएगा -2 -1 तो आ जाएगा -3, -5 11 -5 तो आ जाएगा -16, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर +9, और 16 का स्क्वायर 256, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 265। अब देखिए रूट 5 और रूट 212 को ऐड करेंगे तो 265 के इक्वल आएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC है, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर AC इक्वल टू AB प्लस BC आता तो पॉइंट कोलिनियर होता, नहीं आया तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होता। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू वेरी मच।